अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर इंसान के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, मौत। मौत ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को आनी है। सुनाज़ने कराम, आज का हमारा टॉपिक है कि इंसान की रूह सबसे पहले कदमों से क्यों निकलती है। जब इंसान को मौत आती है तो उसकी रूह, आप सभी ने सुना होगा, कदमों से निकलना शुरू होती है। तो उसके पीछे की क्या वजह है, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतरमा गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए नाज़रीन, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक मरतबा एक शख्स मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली, इंसान की रूह निकलने का इख्तिताम यानी कि आखिर आँखों से क्यों होता है। तो जैसे ही उस शख्स ने यह पूछा तो मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, याद रखना अल्लाह ताला ने इंसान की रूह निकालते वक्त कदमों से शुरुआत इसलिए की ताकि मरने वाले इंसान को जिंदा इंसान देख लें कि मौत के वक्त वो कहीं भी भाग नहीं सकता, और रूह निकलने का इख्तिताम यानी अंत आँखों से इसलिए किया ताकि वो मरने वाला शख्स अपने हकीर जिस्म की बेबसी देख ले कि आज ये वही जिस्म है जो उस इंसान के इशारों पर चलता था, और इसी जिस्म की ख्वाहिशात के तले वो अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी किया करता था। लेकिन अफसोस, आज यही जिस्म बेजान और बेबस पड़ा है। ऐ शख्स, याद रखना मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना कि जो इंसान अपने वजूद से इंसानों की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसकी मौत आसान करता है, और जो इंसान अपने वजूद से अल्लाह ताला की मखलूक पर जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी मौत को सख्त कर देता है। अल्लाह अकबर। सुनाज़ने कराम, इसीलिए इंसान की रूह सबसे पहले कदमों से निकलती है। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने वजूद से दूसरों की मदद करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुँचाइए। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेशन में हमें अपनी राय देकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।